गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होती है 10 बजे, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे ये क्लास होती है और इसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर के कुछ नए क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है उन पर, और इसके अलावा अन्य कुछ नए क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास को आप डेली अल्टरनेटिव्स पर आप 10 बजे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाओं में याद रखिएगा कि आपको एक हमारे 24/7 के ऐप को डाउनलोड करना है। थोड़ी खिचखिच है भाई। 24/7 के ऐप को डाउनलोड करना है और फिर डेली क्विज़ को अटेंड करना है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नए हैं तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत, ठीक है, ये काम को करना है। साथ ही साथ आज क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अपडेट्स में मैं बता देता हूँ कि हमारा IPS AFO का और पंजाब ADO का MSC एंट्रेंस ये बैचेस आ चुके हैं। लास्ट में इसके बारे में अपडेट कर देंगे, ठीक है। जब भी किसी बैच में एनरोल करते हैं तो Y612 कोड लगा सकते हो, ठीक, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कलरिंग पिगमेंट इन जामुन। जामुन में जो कलरिंग पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? जो आपके ऑप्शन हैं, लाइकोपिन होता है, एंथोसैनिन होता है, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है। हाँ, गुरुजी योर एफर्ट्स आर वेरी हेल्पफुल अस, थैंक यू लॉट ऑफ एंड योर स्टाफ। ओके बेटा, वेलकम, ठीक है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी डेली क्लास करते हो, ठीक है। आजकल बच्चे जो होते हैं, अगर वो क्लास आपकी रेगुलर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को या टीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। कल एक बच्ची है हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की है। कल उसका GRF में सिलेक्शन हुआ, तो उससे पहले वो परेशान थी वो, ठीक है। कल उसे सिलेक्शन हो गया तो उसने कॉल किया कि सर थैंक यू सो मच कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, फ्रूट साइंस मिल गया मुझे GRF में, बड़ा अच्छा लगा। ये तो बड़ा खुशी होती है कि जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, और वो जो मेहनती बच्चा जो बहुत अच्छे सिलेक्ट होता है, तो और खुशी होती है। ये लगातार एफर्ट डाल रहा था और ये अब इस में सफल हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके चलिए, तो कलरिंग पिगमेंट इन जामुन, जामुन में जो कलरिंग पिगमेंट होता है वो क्या होता है? लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या जेंथोफिल, ठीक है, बताइए। हाँ, ये कह रहा है गुरुजी एनर्जी नहीं लग रही, अरे नालायक पढ़ लो, ठीक है। हाँ, अभी 8 घंटे हमको और एनर्जी लगानी है, ठीक है, पढ़ लो बस। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन हो जाएगा, ठीक है। जो कलरिंग जामुन के अंदर होता है वो कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। लाइकोपिन आप जानते हो कि टमाटर के अंदर जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन से होता है, ठीक है। और लाइकोपिन बनने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी अच्छे चाहिए होता है। कितना? 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर बात करेंगे कि 27 या 29 के आसपास जो टेम्परेचर जाता है आपके टमाटो के अंदर, तो लाइकोपिन बंदा बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। आगे देखिए, द पंजेंट ऑर्डर टेस्ट ऑफ अनियन बल्ब ऑन अकाउंट ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट। बताइए, जो पंजेंट ऑर्डर होता है अनियन के अंदर, वो एक एलिमेंट की वजह से भी होता है, ठीक है। वो एलिमेंट कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बताइए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या पोटेशियम। ओके, फटाक से बोलिए, ठीक है। जो पंजेंट ऑर्डर होता है टेस्ट ऑफ अनियन, अनियन में जो पंजेंट ऑर्डर होता है बल्ब में, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, सल्फर की वजह से कि पोटेशियम की वजह से, बताइए। ओके, कोई डी बोल रहा है। हाँ करण, सही से पढ़ लिया करो। ओके, एस आ रहा है, यानी कि सल्फर आ रहा है। ओके, तो सल्फर की वजह से जो है अनियन के अंदर क्या होता है कि जो पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, वो अनियन में सल्फर की वजह से होता है, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए कि सल्फर जो होती है किस प्रकार के क्रॉप्स में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसको याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी वो क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो आपके ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, उन ऑयल सीड क्रॉप में सल्फर की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑयल कंटेंट में सल्फर भी मेन रोल प्ले करता है। थोड़ा घुमा के पूछ सकता है कि बताइए कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए कैल्शियम के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है, बोरान के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल जो टॉप वाली पोर्शन होता है प्लांट का जो कैप होती है, बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन, उस टॉप वाले पोर्शन में कैल्शियम और बोरान के लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि आपके पोटेशियम के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है, सल्फर के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। सल्फर के लक्षण जो है नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम और मैग्नीशियम के लक्षण जो हैं ये आपके पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसे पत्तियों का डिफरेंस भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैंने और आपको पूरा रात को 8 बजे स्पेशल क्लास होती है, रात को 8 बजे, वहाँ मैंने समझाया भी है न्यूट्रिएंट के सिम्टम, और किसी दिन मैं और भी समझा दूंगा, तो रात वाली क्लास भी आपको जरूर देखनी है। चलिए, रस डिजीज ऑफ मैंगो अकर्ड ड्यू टू, मैंगो का जो रस डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है,
ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है, बताइए। ठीक है, रस्ट डिजीज ऑफ मैंगो, मैंगो का जो रस्ट डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है? फंगस, एलगल, बैक्टीरिया या वायरस, बताइए फटाक से बताइए किसकी वजह से होता है। ठीक है, ओके। जब भी हम लोग मैंगो की बात करते हैं तो अपने मैंगो के बारे में आपको कई बार रिविजन करवाया हुआ है तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि एक वैरायटी है जिसे बोलते हैं पूसा प्रतिभा। ठीक है, तो पूसा प्रतिभा भी मैंगो की ही प्रजाति है। ठीक है, और एक और प्रजाति है जिसे हम लोग बोल देते हैं काफ़ी फेमस है, वो है आपकी कौन सी थी, वो बड़ी बड़ी फेमस थी वो, मियासाकी मैंगो। एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, मियासाकी मैंगो जो है राजस्थान में भी वो काफ़ी फेमस हुआ था वो। ठीक, और एक और है जिसे हम लोग बोल देते हैं, वो है आपकी दशहरी, जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत फेमस है, और जो बागनपल्ली है वो साउथ के लिए बहुत फेमस हो जाती है। ठीक है, मैंगो की अगर बेसिक बात करेंगे तो इसके अंदर 40 क्रोमोसोम्स होते हैं और बेसिक क्रोमोसोम 10 होते हैं। ठीक है, टेट्राप्लॉइड प्रजातियाँ होती है। ठीक, इनको याद रखिएगा। चलिए, तो रस्ट डिजीज जब मैंगोज होता है मिल्क किससे होता है? हाँ, एलगल से होता है, फंगस नहीं होता बेटा, एलगल से होता है। एलगी से मुख्यतः रस्ट डिजीज काज होता है। फंगस से अगर बात करेंगे तो ओडियम मेंजीफेरा, जो मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, जो सबसे डेंजरस डिजीज माना जाता है मैंगो का, तो वो जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो मेनली अटैक करता है किससे? रफ डिजीज, यानी कि फंगस से। ठीक, बैक्टीरियल विल्ट वगैरह जो है वो अटैक करता है बैक्टीरिया से। ठीक है, वायरस से भी अन्य डिजीज जो है इस पर अटैक करते हैं। मैंगो का जो सबसे खतरनाक जो पेस्ट होता है वो दो पेस्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी यानी कि मैंगो हॉपर, और एक होता है आपका ड्रोसिचा मेंजीफेरा। ठीक है, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी बहुत खतरनाक होता है और फिर आपका ड्रोसिचा मेंजीफेरा होता है यानी मैंगो मिलीबग होता है। दोनों काफी खतरनाक है, इनको याद रखिएगा। हाँ, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस पोमग्रेनेट वैरायटी ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की मैं अनार की बहुत फेमस प्रजाति कौन सी है, बताइए। हाँ बताइए, ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस पोमग्रेनेट वैरायटी ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की सबसे फेमस अनार की प्रजाति कौन सी है? गणेश, भगवा, ढोलका या मृदुला है? ठीक है, अब देखो अनार की बात है तो अनार की बात तो मैंने आपको कई बार रिविजन भी करवाया, फिर से भी करवा देता हूँ। देखो, जब भी अनार की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अनार जो होता है, देखो अनार की अगर बात करेंगे तो ये चीज़ दो चार दो बात तीन बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो क्या होता है, वो बलोस्टा होता है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो बलोस्टा एक तरीके से मॉडिफिकेशन है किसका, बेरी का। ठीक है, बेरी ही था और बेरी के बाद ही क्या बनता है, बलोस्टा बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो क्या कहाँ होता है, वो आपका ईरान होता है। ठीक है, ईरान किसका ओरिजिन प्लेस होता है? अनार का। और इराक जो होता है वो होता है डेट पाल्म का। ठीक है, अनार जो होता है बेसिकली कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, और सब ट्रॉपिकल में भी देखा जाए तो एड रीजन का फ्रूट माना जाता है अनार, बेसिकली क्या है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक, इसके अलावा अगर देखेंगे तो पोमग्रेनेट से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पोमग्रेनेट जो होता है ये मेनली कैसा होता है, तो मेनली नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, और साथ ही साथ इसके अनार के अंदर जो इडिबल पोर्शन होता है वो क्या होता है, जूसी सीड कोट होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं अनार की, जूसी सीड कोट वो इसका क्या होता है, इडिबल पोर्शन होता है। ठीक है, प्रजातियों की बात करेंगे तो गणेश, भगवा, ढोलका, मृदुला ये सभी इसकी प्रजातियां होती हैं। जो सब महाराष्ट्र के लिए फेमस होती है वो होती है भगवा। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए कौन सी होती है, भगवा जो है महाराष्ट्र के लिए काफ़ी फेमस प्रजाति होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक वाइल्ड पर्पज वैरायटी जो काफ़ी एग्जाम में आ जाती है वो है दारू। ठीक है, जो दारू प्रजाति होती है वाइल्ड पर्पज के लिए होती है, मतलब वाइल्ड पर्पज के लिए नहीं, वाइल्ड वैरायटी होती है, पर्पज को नहीं होता, वाइल्ड वैरायटी होती है, और ये जो है आपके वाइल्ड क्षेत्र में काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, या रेसिस्टेंट पैदा करने के लिए इसका यूज होता है। क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो 18 क्रोमोसोम्स होते हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि अनार की एक बड़ी फेमस प्रजाति है जिसका छिलका जो होता है बहुत ही थिन होता है, जिसे हम बोल देते हैं पेपर सेल। क्या बोल देते हैं? पेपर सेल बोल देते हैं। तो पेपर सेल का जो छिलका होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा मासूम होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, गणेशा भी होती है। चलिए, पोमग्रेनेट फ्रूट बेलोस्टा इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, बताइए जो बेलोस्टा होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक तरीके से नट का होता है, स्टोन का होता है, ड्रुप का होता है कि बेरी का होता है, बताइए। जो पोमग्रेनेट का बेलोस्टा होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? ठीक है, नट, स्टोन, ड्रुप या बेरी, बताइए फटाक से बताइए।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सही से देना चाहिए अगर आपने सही से इसको कभी पढ़ा भी है फ्रूट प्रोडक्शन को, ठीक है, नहीं तो आपके स्पेशल आगाज बैच में इसको हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ओके, तो सबका आंसर क्या आ रहा है, बेरी आ रहा है, वेरी गुड, क्या आंसर हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, ओके बेरी हो जाएगा। बेरी में अगर और बात करेंगे, नॉर्मल बेरीज की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए जितने जिसमें भी मल्टीपल सीड होते हैं, मल्टीपल सीड वो किसमें आ जाता है, बेरी आ जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। टेक ड्रुप की बात करेंगे तो सिंगल स्टोन जिसके अंदर होता है, ठीक है, वो किसमें आता है, ड्रुप में आता है, ठीक, एक ही बात होती है। और नट की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाता है लीची है, ठीक है, काजू है, सब में किसमें आता है, नट में आ जाता है, ठीक है। इसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प आपस में बिल्कुल अटैच रहते हैं, ठीक, और इसमें मीजोकार्प एंडोकार्प बिल्कुल बीच में अटैच नहीं रहते, आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इस पोर्शन को। बाकी अगर और बात करेंगे तो लीची बार में याद रखिएगा, लीची में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और साथ साथ लीची एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये तीन क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लीची के बारे में नॉर्मल कंडीशन में भी पूछ सकता है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ओके। हाँ अगर मैं बेरी की बात करूँ, चंदू ने बिल्कुल सही लिखा है कि एक मिनट, मैंगो नहीं होता है, ग्रेप, बनाना, कीवी, टमाटर, पोटैटो, टोबैको, टोबैको पोटैटो तो है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अमित ने भी कहा बनाना, ग्रेप, पपाया, एवोकाडो, एरिकाट, सपोटा, बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन आंवला, आंवला में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है बताइए, कैटकिन होता है, रेसिम होता है, साइमोस होता है कि सोलिमेट्री होता है बताइए। हाँ क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट भी लीची को बोलते हैं, सही बात है, ठीक है, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट लीची को बोलते हैं, और क्वीन ऑफ फ्रूट जो बोलते हैं वो आपके आपके मैंगोस्टीन को बोलते हैं बताइए। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन आंवला, कैटकिन, रेसिमोस, साइमोस या सोलिटरी, हाँ ओके, कैटकिन, रेसिमोस, साइमोस या सोलिटरी, ओके, तो बी एम्फर आ रहा है बच्चों का, ठीक है, एम्फर क्या उसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेसिमोस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको एक बार पढ़ाया था, मैं देखो इनका मतलब क्या होता है हल्का हल्का जान लो, देखो कैटकिन जो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा मलबरी के अंदर, ज़्यादातर जो मलबरी होती हैं यानी कि शहतूत जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, वीरिंग होती है इसकी, इस तरीके की होती है, ठीक, आप इस तरीके की जो वीरिंग होती है वो मेनली किस में होती है, आपके जो मलबरीज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर देखी जाती है, ठीक, जो जो आपकी इस लो नीचे की तरफ जो वीरिंग होती है किसमें होती है, आपके मलबरी में होती है। रेसिमोस की बात करेंगे तो रेसिमोस जो होता है एक तरीके से रेसिम का ही टाइप होता है, रेसिम, ठीक है, बेसिक जो वीरिंग है वो आपके ये इसकी बेसिक वीरिंग मानी जाती है, इसमें रेसिम आता है। और रेसिम के अलावा एक इसमें कंपाउंड रेसिम आता है, कंपाउंड रेसिम मतलब क्या होता है कि जब इस तरीके की वीरिंग होती है, जब इस तरीके की वीरिंग होती है तो इसे हम लोग पेनिकल बोल देते हैं, ठीक है, पेनिकल बोल देते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या हमारा पेनिकल है, ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पेडिसल, पेडिसल बोल देते हैं, ठीक। अच्छा सोलिटरी क्या होता है, जब पूरे पोर्शन में एक ही इन्फ्लोरेसेंस आता है, जो पूरा एक पोर्शन है उसमें अगर एक ही इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलिटरी बोल देंगे, ठीक है। और साइमोस क्या होता है, दो तरीके की वीरिंग है, एक रेसिमोस एक साइमोस है, अगर जो है वीरिंग इस तरीके की होती है यानी कि लगातार ग्रोथ हो रही है और लास्ट में ऊपर वाले पोर्शन में एक फ्लावर निकल आता है और ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी ग्रोथ रुकती नहीं है वो आपका जनरली रेसिमोस में आता है, और जिसकी ग्रोथ रुक जाती है वो मुख्यतः किसमें आता है, आपके साइमोस में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्माइलिंग नट, बताइए स्माइलिंग नट किसे बोलते हैं, पिस्ते का नट को बोलते हैं, हेजल नट को बोलते हैं, पीका नट को बोलते हैं या चीस्ट नट को बोलते हैं, ये नया क्वेश्चन है और अच्छे से बताइएगा। हाँ बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्माइलिंग, देखो बेटा जितने बच्चे देख रहे हो लाइक बटन पर आप लोग प्रेस कर दिया करो, ठीक है। देखो मॉर्निंग वाली क्लास होती है, मॉर्निंग वाली क्लास में मैं ज़्यादा आप लोगों से ये सब चीज़ें नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मॉर्निंग में बहुत से बच्चे उठ नहीं पाते हैं या उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती कि जल्दी उठ पाए, रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। अल्टरनेट डेज पर क्लास होती है तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कहता हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन सही लगते हैं तो आपको लाइव बटन पर प्रेस करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लेट हो गए हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे पुरानी क्लास को पूरा देख लें। हाँ, बाकी रात को 8 बजे क्लास होती है, उस क्लास को जल्दी देखा करें, ठीक है। हाँ, उसमें ये नहीं करना, ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्माइलिंग नट। स्माइलिंग नट किसे बोलते हैं? ओके, कल्याण का आंसर आया पिस्ता, ठीक है, और आकाश त्रिवेदी ए आंसर बोल रहे हैं। हाँ, फिटनेस फ्रीक जो है, ओके, आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा है। अगर बेटा जी आपके सिलेबस में नहीं है रीड में, तो आपको ये लिखना चाहिए बार बार, ठीक है। हाँ, आप तो मौज के लिए लिख देते हो, लेकिन ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है बच्चों के ऊपर, ठीक है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, आगे से चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिस्ता नट हो जाएगा, ठीक है। पिस्ता नट जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ये पिस्तिका नट बोल देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्माइलिंग नट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? स्माइलिंग नट, ठीक। तो हो सकता है पूछ लें। हाँ, बाकी अगर बात करेंगे पीका नट की, तो पीका नट हमारा क्या होता है? ये हमारा क्वीन ऑफ नट होता है, और किंग ऑफ नट जो होता है वो वॉलनट होता है, ठीक है। ये हो सकता है, जो किंग ऑफ नट होता है बेटा वो वॉलनट होता है, ठीक। और जो पीका नट होता है वो क्या होता है? वो हमारा क्वीन ऑफ नट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिजीज इन बेर विच कॉज फ्रूट ड्रॉप। बेर में ये डिजीज कौन सा ऐसा है जो फ्रूट ड्रॉप को कॉज कर देता है, ठीक है? पाउडरी मिल्ड्यू है, फ्रूट रॉट है, डाउनी मिल्ड्यू है, या सूटी मोल्ड है? बताइए, बताइए भाई, बेर में कौन सा डिजीज ऐसा है जो क्या कर देता है? फ्रूट की ड्रॉप कर देता है, ठीक है। फ्रूट गिर जाते हैं, जैसे डिजीज लगेगा फ्रूट की ड्रॉप क्या हो जाएगी? फ्रूट क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट रॉट, डाउनी मिल्ड्यू या सूटी मोल्ड, बताइए। और जो बच्चा नया हुआ करे, वो बच्चा हमें अपडेट कर देगा, फिर जी आज मैं इस क्लास में नया हूँ, तो मैं उसको अपडेट देता रहूँगा कि आज क्लासेस को कैसे अटेंड करना है। हाँ हाँ, आज स्लो पढ़ा रहे हैं आप बेटा, अभी अभी आपने गुड मॉर्निंग लिखा, अभी आए हो आप, ठीक है। हाँ चलिए, तो बताइए क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू, फ्रूट रॉट, डाउनी मिल्ड्यू या सूटी मोल्ड, ठीक। क्या आंसर रहेगा? ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा, ठीक है। बेसिक देखेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा बेर की, तो बेर में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। कैसे पॉइंट? जैसे बेर से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बेर में जो अर्ली फ्रूट ड्रॉप होती है, अर्ली या कह सकते हो कि अर्ली जो वैरायटी है फ्रूट ड्रॉप, तो हो गई अर्ली वैरायटी है, वो कौन सी होती है? वो गोला होती है और सेब होती है, और जो लेट वैरायटी होती है वो उमरान होती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी पूछता है कि बेर में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, इंडो चाइना इसका ओरिजिन होता है, इंडिया और चाइना। बेर मेनली एरिड रीजन का फल है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन का फल है। चाइनीज बेर हो वो टेम्परेट रीजन में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है, चाइनीज बेर जो है टेम्परेट रीजन में अच्छे से ग्रो हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बेर में प्रवर्धन किससे करते हैं, तो हम लोग रिंग बडिंग, ठीक है, और टी बडिंग, ये दोनों बेर के अंदर हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी याद रखिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ नट। अब ठीक है, ये मैं आपको बता चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए किंग ऑफ नट किसे बोल देते हैं, बताइए इनमें से किसे किंग ऑफ नट बोल देते हैं, ठीक, बताइए फटाक से आंसर। ओके, ओके, तो किंग ऑफ नट किसे बोल देंगे हम लोग? जो किंग ऑफ नट होगा बेटा वो होगा हमारा वॉलनट, ठीक है। वॉलनट क्या होगा? किंग ऑफ नट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किंग ऑफ नट में कुछ और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि जो जुगालेंस रिज, इसका जो वॉलनट होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? जुगालेंस रिजिया होता है, ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है वो जुगालेंडिएसी होती है, तो जुगालेंडिएसी जो होती है, ठीक है, वो आपकी इसकी फैमिली होती है, और वॉल आपका जो रिजिया जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। 32 मतलब कि 32 इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, कितने होते हैं? 32 इसके अंदर क्या होते हैं? वॉलनट के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसे हम लोग किंग ऑफ नट बोल देते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर फैट परसेंटेज भी बढ़िया पाया जाता है, फैट परसेंटेज में भी काफ़ी रिच होता है वॉलनट, ठीक है। और साथ ही साथ वॉलनट जो है, वॉलनट से याद आया, मैं जब मैं वॉलनट पढ़ा था, ठीक है, तो ध्यान ही नहीं दिया इसको, तो तुम लोगों को दिखा के हम खा भी सकते थे, ताकि तुम लोग वो मास्टर जी क्या खा रहे हो, ठीक है। वॉलनट काफ़ी फायदेमंद है, और अगर याद रखें तो वॉलनट में कभी कभी पूछ लेता है कि अवेलेबल क्रॉप है और
इसके इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एशिया होता है, सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया होता है, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा, बेसिकली ज्यादातर जम्मू कश्मीर में और क्षेत्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं, प्रियदर्शनी वैरायटी, अब प्रियदर्शनी किसकी प्रजाति है, ये एफओ में पूछा गया क्वेश्चन है और एमएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोलिए, प्रियदर्शनी किसकी प्रजाति है, गुलाब की, ग्लैडियोलस की, कार्नेशन की या ग्रेप की, बताइए। बोलिए, ओके, बी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, और हाँ ज्यादातर बी आंसर आ रहा है, ओके, कुछ लोग ए दे रहे हैं, जो ए दे रहे हैं उनको हम ढूंढ देंगे किसी दिन अच्छे से। मुख्यतः जो प्रियदर्शनी है वो ग्लैडियोलस की प्रजाति होती है, किसकी होती है, ग्लैडियोलस की प्रजाति होती है। पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने क्या बताया था आपको कि मेरी एक मित्र थी, हैं, प्रभा उनका नाम था, पियर साबुन लगाती थी, ठीक है, दर्शन उनके पूरी क्लास को बहुत प्रिय थे, पूरी कहानी लंबी कहानी सुनाए थे, याद ही रखते हो नालायक हो। चलो अगर मैं बात करूँ ग्लैडियोलस की, तो इसकी फैमिली क्या होती है, इरिडियसी होती है, क्या होती है, इरिडियसी इसकी फैमिली होती है, ठीक। गुलाब की अगर बात करता हूँ तो उसकी रोजियसी फैमिली होती है, ठीक है। और कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुचित्रा किसकी प्रजाति है, देखो सुचित्रा ग्लैडियोलस की भी है और इसकी भी है, लेकिन मोस्ट फेमस किसकी है, सुचित्रा और गुलाब की है, थॉर्नलेस प्रजाति होती है, ठीक। ग्लैडियोलस से आपसे पूछ सकता है, एक और अच्छी चीज पूछ सकता है कि ग्लैडियोलस जो होता है, ठीक है, ये आपका कैसा होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ऐसी प्रजाति है जो एग्जाम में बहुत आती है, वो है कामिनी, ठीक है, और एक आती है दिलरुबा, तो दिलरुबा और कामिनी दोनों इसी की प्रजाति हैं, ठीक। इसके अलावा हंटिंग सॉन्ग और बाइंड सॉन्ग, ठीक है, ये इसी की प्रजाति मानी जाती है, ठीक। ग्रेप के बारे में बात करेंगे तो ग्रेप के बारे में बात कर चुका हूँ, 40 क्रोमोसोम्स होते हैं ग्रेप के अंदर, यूवेटस के अंदर 38 होते हैं, तो मुख्यतः 38 ही मानते हैं क्योंकि यूवेटस के अंदर 38 होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इसे क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर बोल देते हैं, ग्लैडियोलस को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर बोलते हैं, और इसे हम लोग क्वीन ऑफ फ्लावर बोल देते हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर किसे बोलेंगे, ग्लैडियोलस को बोल देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गार्डन टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गार्डन जो टर्म है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक या फ्रेंच, बताइए। गार्डन जो टर्म है वो किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक या फ्रेंच। देखो आपको अगर कोई डाउट रहता है, आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, देखो इस क्लास में सिर्फ फैक्ट मैं करवाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं आपको आप लोगों का जजमेंट जो है वो ना निकले, ये क्लास जो है फैक्ट क्लास होती है, इन चीज़ों को समझाने के लिए बहुत अच्छा खासा समय चाहिए, ठीक है, बिना समय के कोई चीज़ समझ में आसानी से नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि कल मैंने रात को एक यूट्यूब पर क्लास ली थी वीड के बारे में, तो अगर आपको वीड पर बेसिक समझ नहीं है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, हालांकि उसमें भी मैंने थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया था, रात को 8 वाली क्लास जनरली मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, तो मैंने उसमें थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप उस समझ को विकसित करने के लिए उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं यूट्यूब वाली इस क्लास को देख के ही, ठीक है, और 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ, तो इसमें आपकी खुद की मेहनत बहुत अधिक मात्रा में सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही आपके बैचेस होते हैं, ठीक है, ये बात आपको रिकमेंडेशन होती है। हाँ संदीप सर आइए, कुछ और बात है, रुको, ओके, हाँ अब आ रही ना, चलो तो हाँ इसका आंसर दीजिए। तो गार्डन टर्म जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाँ नालायक। चलो रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज क्रॉस बिटवीन, रत्ना जो वैरायटी है मैंगो की, ठीक है, ये किसका क्रॉस है, बताइए। हाँ तुम लोग एक से एक लैटिन, एक ग्रीक, एक अरेबिक सब दे दो नालायक, ओके बताइए। रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो की है किसका क्रॉस है, अल्फांसो बागनपल्ली का है, नीलम और दशहरी का है, नीलम अल्फांसो का है या दशहरी और नीलम का है, ये बताइए, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ ओके, नीलम और अल्फांसो, अच्छा
अच्छा, आरएनए याद है क्या? ठीक है, आरएनए सही है। नीलम और अल्फांसो, ठीक है, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनती है? हमारी रत्ना बनती है। तो आरएनए याद रखिएगा, नीलम और अल्फांसो याद जाएगा। ओके, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि नीलम और दशहरी से क्या बनता है, तो हम आपके ख्वाबों की मल्लिका कहाँ रहती है? एनडी यूनिवर्सिटी में, एनडीआरआई मान लो, एनडी यूनिवर्सिटी में। नीलम और दशहरी का क्या हो जाएगा? मल्लिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लिका। अच्छा, मल्लिका से एक और बात याद रखना कि मल्लिका के अंदर विटामिन ए कंटेंट अच्छा होता है। भाई जब मल्लिका है तो आंखें तो तेज होंगी ही, ठीक है, और क्या? हमारी तुम्हारी तरह आंखें चश्मा लग गया, ठीक है। तो भैया आंखें होती है तेज, ठीक, यानी कि मल्लिका जो होती है उसके अंदर क्या होती है? विटामिन ए ज्यादा होती है, ठीक भैया, याद रखना। अच्छा, दशहरी और नीलम से, तो दशहरी नीलम से क्या निकालो? इसका डीएनए निकालो बाहर, डीएनए। तो दशहरी और नीलम से क्या बनेगी? आम्रपल्ली बनी बनेगी। क्या बनी भैया? आम्रपल्ली। अब देखो ये आम्रपल्ली जो होती है, ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि भैया ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है, मतलब अति सघन खेती के लिए, ठीक। आप कहोगे सर जी अति सघन खेती, तो इसमें जो है कितनी डिस्टेंस रखेंगे? ठीक, यही आप पूछते हो, यही आपका पेपर पूछ लेता है। तो इसमें जो है 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर, ये क्या रखते हैं इसकी हम लोग? स्पेसिंग रख लेते हैं। आप कहोगे सर जी 2.5 × 2.5 रखते हैं तो कितना प्लांट लगेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लिखो 10,000, इसके बटा कर दो 2.5 × 2.5, कट्टू कर लो, कट्टू कर लो के ऊपर 100 आ जाएगा, 25 × 100 और 25 × 100, ठीक है, 400 × 4 = 1600। तो भैया याद रखना, ठीक है, देखो थोड़ी बहुत मैथ लगा लिया करो, है भैया, ठीक है। तो 1600 प्लांट आपके प्रति हेक्टेयर लगेंगे, ठीक। तो ये सब बातें नॉर्मल है, पता है आपको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ, ओके, हाँ, अल्फांसो और बागनपल्ली का बताओ क्या होगा? पुनीत होगा अल्फांसो और बागनपल्ली का, ठीक है, ओके, बागनपल्ली और अल्फांसो क्या होगा? अरुण होगा, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखा करो, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे पगला जाओगे। बताओ व्हाट इज द फैमिली ऑफ सेफ्रॉन? ओहो, केसर की फैमिली क्या होती है बताइए? केसर की फैमिली वही होती है जो ग्लैडियोलस की होती है, अब बता दो। अच्छा, केसर की फैमिली वही होती है, हाँ, निरंजन मधुलिका ऑक्सीजन वैरायटी है, वेरी गुड, ठीक है। देखो यार 40 बच्चे देख रहे हो, 28 लाख, गलत बात है, इतना हम स्लो पढ़ा रहे हैं। रात को जब फास्ट पढ़ाते तो तुम बच्चे संख्या में अच्छे आ जाते हो, जब मैं धीरे पढ़ाता हूँ तुम्हारी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, और कम से कम धीरे में ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो बुद्धि है ना उसमें हम क्या क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नमक छिड़क के किसी दिन, ठीक है, फ्राई करके, ठीक है, किसी को खिला देंगे, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है, कम से कम किसी का काम ही आ जाए, कोई खा ही ले, पेट ही भरे किसी इंसान का, हाँ भैया। ओके, क्या होती है? इरिडियसी होती है, क्या जाती है भैया? इरिडियसी होती है, क्लियर है भैया? हाँ, ओके, वेरी गुड, क्या होती है भैया? इरिडियसी होती है, वेरी गुड। तो इरिडियसी फैमिली जो होती है किसी होती है? सेफ्रॉन की होती है, याद रखिएगा, ठीक। अब बाकी केसर जानते ही हो, ठीक है, दाने दाने में केसर का स्वाद, जो केसरी वाला केसर नहीं भैया, केसर महंगा वाला केसर होता है, सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस जो है सेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक। हाँ, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः ये होता है, ठीक है, इंडिया की अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, और 1.5 मिलियन फ्लावर के आस, जब आप 1.5 मिलियन फ्लावर जब देखते हो ना, तो उससे आपका 1 किलो केसर तैयार होता है, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, अरे फ्लावर का फीमेल पार्ट सेफ्रान नहीं, वो स्टिग्मा होता है, कहाँ घुस रहे हो नालायक, ओके, स्टिग्मा होता है, आकाश चौधरी उड़ा देंगे। चलो, आप पास पढ़ाते हो तो अच्छा लगता है, रीना लो दीजिए, कर लेंगे आज, अच्छा ही लग रहा, कोई बात नहीं। मशरूम फिटिया बिंडिया, मशरूम फिटिया बिंडिया किसे बोलते हैं? हम तो फास्ट पढ़ा दें, हम तो चिल्ला लें, ठीक है, हैं, लेकिन फिर किसी को लगेगा, दो चार बच्चों को ये लगता है कि अरे यार ये मास्टर बहुत फास्ट पढ़ाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, एक तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, फॉर्मल बात नहीं करता है, तो ये इन जैसे घर में बात करते हैं, गाँव में बात करते हैं, ये मास्टर जी वैसे ही बात करते हैं, हमको कतई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दो चार भाई मेट्रोफिटी वाले भी तो होते हैं, तो इसीलिए हम कभी कभी स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने मेट्रोफिटी वाले हैं? हैं, समझ में आ जाता? अच्छा, लैंग्वेज समझ में आ जाती है हमारी ही। ओके, सैलून, अब ये करा देहरादून। अब इसको अभी यहीं से बटन दबा देंगे, ठीक है भैया, सोलन होता है, इतनी बार करा चुके हैं, ठीक है। मफरूम फिटी क्या होता है? सोलन होता है। कानपुर की बात करेंगे तो कहाँ, यहाँ पर क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है, ठीक है, पल्स रिसर्च जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। देहरादून में कहाँ है? तो देहरादून में भैया जी आपका FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, FRI, वो देहरादून में है। और श्रीगंगानगर की अगर बात करेंगे तो श्रीगंगानगर में किन्नो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है, किन्नो कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ग्लैडियोलस?
ग्लैडियोलस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए। हाँ हाँ बताइए, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ग्लैडियोलस। ठीक है, ग्लैडियोलस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है बताओ भैया, बताओ बताओ। अच्छा दम हो तो बता दो, इस क्वेश्चन में अगर दम हो तो बता दो आंसर, हम मान जाएंगे। मान जाएंगे यार, तुम लोग होशियार हो, तुम लोग डेली टैलेंटेड हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर, बता दो अच्छा आंसर। ठीक है, ग्लैडियोलस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बोलो बड़ा फटाक से बोलो। ठीक है, जल्दी बोलो भैया, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हम नलायक की दे देते हो, अब देखा कोई 30 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है, कोई 36 देख रहा, 30 जा रहे हैं नालायक। ठीक है भैया, 30 होता है डिप्लॉयड में, 30 टेट्राप्लॉयड में 60 वाली कहानी नहीं सुने हो। ठीक है, हाँ कितने होते भैया, 30 क्रोमोसोम्स होते हैं ट्रिपले। हाँ बिल्कुल सही, देखो मुकेश कह रहा डिप्लॉयड थी, बाकी सब नालायक है। हाँ ओके, हाँ यादव जी के देसी लोग, वेरी गुड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ नट। ओ हो तो अच्छा, वो किंग ऑफ नट पूछा गया ना, रिपीट तो नहीं, हाँ वो किंग ऑफ पूछा गया था, ये क्वीन ऑफ नट है, वेरी गुड। बताइए क्वीन ऑफ नट बोलो कैसे बोलते भैया, क्वीन ऑफ नट केरिया इल्यूनोसा को बोलते हैं, याद रखिएगा। अब बताइए आंसर, सही आंसर इसका क्या है, केरिया इल्यूनोसा है। ठीक है, और आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर बता दीजिए। हाँ तो वही बोल रहा हूँ विशु, अरे तुम लोग आपस में लड़ने लगते हो, एक तो हम क्या बताएं, हम सर ने भी तो बताया, हाँ आपने भी बताया, वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हो। चलो आंसर तो फटाक से, ओके पीका नट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पीका नट यानी कि केरिया इल्यूनोसा। इसकी फैमिली भी क्या होती है, जुगलंडेशी होती है, और 32 इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, इसमें भी क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ खाया करो। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बनाना बंची टॉप। बंची टॉप के लिए रेसिस्टेंट कौन सी, ये मैंने साथ करवाया है, हमको याद है, हो सकता है रिपीट हो गया, बताइए। हाँ बोल भाई, बोलो, ओके वेरी गुड। मृदु पक्षी, ओके सही है, मृदु पक्षी होता है। अच्छा बनाना की मैंने बात की थी, बताइए बनाना में क्या करते हैं, डीनेल्विंग करते हैं, जो मेल बर्ड होती है उसे हटाना क्या कहता है, डीनेल्विंग कहलाता है। और कभी कभी पूछता है कि डीसकरिंग क्या होता है, तो अनवांटेड सकर्स को हटाना क्या कहता है, डीसकरिंग कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद होना चाहिए। द रेड कलर ऑफ एप्पल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एप्पल का जो रेड कलर होता है ये किसकी वजह से होता है, लाइकोपिम्फ है, जंथोफिल्फ है, एंथोफाइलिन से या केरोटिन से, बोलो। हाँ लेडी फिंगर भी बनाने की प्रजाति होती है बेटा। हाँ चलो बताओ, द रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोफिल, जंथोफिल, हाँ एक दो हम लोगों को भी दे दीजिए, आओ आओ दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, दिल्ली खिलाएंगे तुमको, मस्त बॉलेट खिलाएंगे। ठीक है, दिल्ली आओ, सिलेक्शन के बाद आना, पहले में चले आना, उड़ा देंगे नहीं तो। चलो एंथोसाइनिन, ठीक है क्या रहेगा, एंथोसाइनिन बिल्कुल सही है। विच विच टेम्परेट फ्रूट हैज हाइएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट, ये बताओ। अच्छा कौन से टेम्परेट फ्रूट में हाइएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, ये नया क्वेश्चन है ना लाइक। और एक और बात है, आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से आ रहे हैं तो करते रहो दमादम तरीके से, बोलो हाईएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट बताइए, चेरी एप्पल वॉलनट या पियर, बताओ बोलो। सर आप उत्तराखंड से हो क्या, अरे हम उत्तर प्रदेश से हैं। चलो बताओ, विच टेम्परेट फ्रूट हैज हाईएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट, चेरी एप्पल वॉलनट पियर, फटाक से बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा चेरी, क्या हो जाएगा चेरी, अरे एप्पल के धुनो उड़ा देंगे। ठीक है, हाँ एप्पल नहीं होता, एप्पल की हाईएस्ट चिली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हाईएस्ट किसकी होती है, चेरी की, तो सब चेरी रिक्वायरमेंट, चिली रिक्वायरमेंट जो है वो चेरी की होती है। ठीक है, हाँ एप्पल वालों को हम एक साल उड़ाएंगे देख लें किसी दिन। ठीक है, बहुत साइडर के शौकीन है। ठीक है, एप्पल क्या बनती है, साइडर बनती है, साइडर फर्मेंटेड बेवरेज है। ठीक है, याद रखा करो। हाँ चलो आगे देखो, विच टेम्परेट फ्रूट हैज लोएस्ट चिली रिक्वायरमेंट, अब बताओ कौन से टेम्परेट फ्रूट पे लोएस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता लगा इनको हवा में देख रहे हो, अंधेरे बोल रहे तो हवा में देख रहे हो, ना लायक उड़ा देंगे इनको, टाइम से लिखता रहो बच्चों, बता दे रहा हूँ मैं इसको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ
अब आपकी अल्टरनेटेड क्लास में हम डेली कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे लाते हैं जो आपके लिए एकदम अच्छे अच्छे होते हैं। सर आप राघव जुएल जैसे का नाम है करते हो और दिखाते भी हो, अच्छा ठीक है। कारनामे वो भी टीचिंग करता है क्या, कारनामे करते हो क्या, कांड कर दिया भैया हमने। ओके बताओ। ओके इसमें अलग अलग अंतर आ रहा है, देखो क्या हो जाएगा, अलमंड ठीक। अलमंड जो होता है ये कैसा होता है, टेम्परेट फ्रूट होता है ठीक है। क्या गाना क्या था, एप्पल पियर पीच प्लम स्ट्रॉबेरी वॉलट अलमंड खाओ लगा के चेरी, ये था ना, एप्पल पियर पीच प्लम स्ट्रॉबेरी वॉलट अलमंड खाओ लगा कर चेरी भैया, ठीक है इसके लिए था ठीक। और यहाँ देखो भैया अलमंड, तो ये क्या हो जाएगा अलमंड, तो अलमंड भाई साहब जो है ठीक है ये कैसा है, ये भाई साहब लो कतई लो वाला होता है, इसको ठंडी चाहिए होती कम और अधिक ठंडी किसे चाहिए होती, चेरी को, तो चेरी को चाहिए अधिक सर्दी और अलमंड को चाहिए कम सर्दी ठीक है, तो ये कैसा है लो है। ओके भैया हाँ आगे देखो, इन पीच लीफ कल डिजीज इज काज्ड बाय, बताओ पीच लीफ में जो कल डिजीज है वो किससे काज्ड होता है, बोलो बोलो भैया। हाँ, अरे आप तीन मिसाइल लगा देंगे उड़ जाओगे भी। चलो पीच लीफ कल डिजीज कास्ट बाई वायरस बैक्टीरिया फंगस एमलोज, बोलो वायरस बैक्टीरिया फंगस एमलोज। एक तो हम नीचे देखते रहते हैं, तुम लोग की कमेंट पढ़ते रहते हैं, पता लगा सामने कैमरा है, सामने देखो ठीक है। ओके बोलो बोलो भैया। ओके तो पीच लीफ कल डिजीज इज कास्ट बाई वायरस बैक्टीरिया फंगस एमलोज ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके इसका आंसर हो जाएगा बेटा हाँ फंगस ठीक है, पीच लीफ कर्ड होता है फंगस से होता है पक्की बात। चलो मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, इसको एक बार रीचेक कर लूँगा, मतलब एक किताब से डाला हुआ क्वेश्चन तो सही होगा किताब में होगा, फिर मैं इसको रीचेक कर लूँगा, डिजीज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रीचेक कर लेता हूँ। बताइए एपोप्लेक्सीज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब ये बताओ ये बताओ, सब नए नए क्वेश्चन है, आप उड़ाएंगे तुमको, सब नए नए क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, सब आपके नए नए क्वेश्चन हैं। बताओ एपोप्लेक्सी जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताइए, हाँ बताओ एप्पल आलमंड एप्रिकॉट और चेरी बोलो, अच्छा फंगस भी होता है, चलो अच्छी बात है फिर तो। एपोप्लेक्सी आपको क्या, सर जी ये बहुत अजीब लग रहा है, ये क्या होता है ठीक है, ये देख लो, तो एपोप्लेक्सी जो होता है ये एप्रिकॉट का एक काफ़ी खतरनाक डिसऑर्डर होता है, किसका, एप्रिकॉट का जो एक खतरनाक डिसऑर्डर है क्या होता है, एपोप्लेक्सी होता है ठीक। अच्छा एप्रिकॉट को हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग उसे कोपरी फ्रूट बोल देते हैं, याद रखिएगा, देखो जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग हल्के में ले लेते हो, कोपरी फ्रूट, देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ये मुझे पता है पहले से, आपको पता है गार्डनिंग से लेकर सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है, नहीं क्लियर है तो आप लोग आपने कहीं ना कहीं क्लियर किए होंगे ठीक है, लेकिन जो फैक्ट है इनको याद रखिएगा, कोपरी फ्रूट बोलते हैं बच्चा, कोपरी फ्रूट ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे रोजियसी फैमिली होती है ठीक है, प्रूनस अर्मेनिका फंटिविक नेम होता है और ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का फ्रूट होता है, या कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि भैया प्रूनस अर्मेनिका, प्रूनस अर्मेनिका क्या होता है, इसका फंटिविक नेम होता है ठीक, याद रखिएगा। अलमंड से याद रखिएगा फास्फोरस का रिसोर्स होता है, अलमंड जो होता है यह फास्फोरस का अच्छा खासा सोर्स माना जाता है ठीक। बाकी एप्रिकॉट के अंदर विटामिन ए कंटेंट भी अच्छा होता है, 3600 इंटरनेशनल यूनिट ये विटामिन पाई जाती है किसके अंदर, एप्रिकॉट के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। स्ट्रॉबेरी रेसिस्टेंट डिफिशियंसी बताइए, स्ट्रॉबेरी किसकी डिफिशियंसी के मतलब रेसिस्टेंट होती है, ऐसा होना चाहिए बताइए, हाँ हाँ बोलो बोलो भैया तुम लोग एक दूसरे को टीस करने का मौका नहीं छोड़ते ना लायक, बताओ स्ट्रॉबेरी रेसिस्टेंट डिफिशियंसी बताइए, मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीज या फिर आपके आयरन के लिए। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज की डिफिशियंसी के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, मेन पॉलिनेशन एजेंट ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का मेन पॉलिनेशन एजेंट क्या होता है ठीक है, हनी बी विंड हाउस फ्लाई या वाइट फ्लाई, फटाफट बोलो बेटा हमें दूसरी क्लास में जाना है, हाँ हाँ बोलो फटाक से बोलो, दूसरी क्लास में उनको ज्वाइन करनी है तुरंत, फटाक से बोलो। ओके हनी बी विंड हाउस फ्लाई वाइट फ्लाई,
ओके ओके कैंपर आएगा हनी बी, ठीक है। तो हनी बी जो होता है ये मेन पंजेशन एजेंट होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच फैटी एसिड प्रेजेंट इन वॉलनट, वॉलनट में कौन सा फैटी एसिड होता है, लिग्निन, ओमेगा 3, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओमेगा 6, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया 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 क्वेश्चन, बोलो बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो। विच फैटी एसिड प्रेजेंट इन वॉलनट, लिग्निन, ओमेगा 3, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओमेगा 6, बोलो फटाक से बोलो। ओके ओके क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका फिर रहेगा बेटा, ठीक है, ओमेगा 3 हो जाएगा। तो ओमेगा 3 जो होता है वो इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है। अगले फ्रूट क्रैकिंग ऑफ चेरी इज ड्यू टू, कि चेरी में जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, बताइए। ये है ना, फ्रैक्स बोलो, किसी होती है, बोरान की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, कागजी कलान वैरायटी ऑफ लेमन वाज रिलीज्ड बाय, बताइए। कागजी कलान, ये आखिर में नए नए क्वेश्चन को हम कह रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो, बता रहे हैं बार बार। कागजी कलान जो होता है, बताइए। ओके कागजी कलान बताइए, IRI न्यू दिल्ली से, IIHR CISH लखनऊ या CICCR नागपुर, बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा IRI न्यू दिल्ली, IRI न्यू दिल्ली से जो है कागजी कलान वैरायटी निकाली गई है, ठीक है। ओके ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं आपके, ठीक। इंपॉर्टेंट जानकारियों में जान लीजिए कि आज हमारा पंजाब वीडियो का बैच स्टार्ट हो रहा है और AFO का फाउंडेशन बैच जो भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, MSc एंट्रेंस भी। तो जो बच्चे पंजाब वीडियो के बैच में इनरोल नहीं किए हैं, सिंपल जाइए पंजाब बैच के अंदर इनरोल करिए, आज ही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी आपकी क्लासेस को अटेंड करिए तुरंत जाके, 77% ऑफ है, ठीक है, जब आप Y612 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, बेस्ट लेते समय, ठीक। इसके अलावा पंजाब वीडियो की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट में डिस्काउंट के लिए Y612S लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए मैं आपको अपडेट देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करने वाले हैं उन सबके लिए है। सिंपली आप जाइए यहाँ पर, जाने के बाद अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, ध्यान से देखिए, सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल पढ़नी, देखो बेटा यूट्यूब पे जो पढ़ाई जाती है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर IPS SO AFO दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही देखो, अगर आपको ओनली हॉर्टिकल्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने हॉर्टिकल्चर क्लास कर ली, ठीक, उसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर में कभी भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हर एक चीज़, चाहे बीट साइंस हो, हॉर्टिकल्चर चाहे एक्सटेंशन हो, तीनों चीज़ें आपकी 100% क्लियर होगी। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा आगाज 3.0, ठीक है, 3.0 है, 2.0 ऑलरेडी सफल हो चुका है, ठीक है, आज दो दूसरी आखिरी क्लास है, 3.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रोनॉमी के लिए संकल्प बैच, जुनून जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए वर्चस्व, आबन एच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको जो कूपन कोड लगाना है वो लगाना है Y612, ठीक है, ये डिस्काउंट है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। व्यू ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पर सब बैच दिख जाएंगे, मंथन बैच दिख जाएगा, प्लांट साइंस के लिए अभय बैच दिख जाएगा, और ये सभी बैच अगर आपको एक साथ चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सभी बैच जो है अगर आपको एक साथ चाहिए तो आपको IPS SO का फील्ड ऑफिसर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ये 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो सभी बैचेस मिलेंगे एक साथ, ठीक है, और प्लस जो एक्स्ट्रा तैयारी वो भी इसके अंदर करवाई जाएगी। सिंपल जाइए यहाँ पर, इंटर कूपन कोड करिए Y612 Y612A, अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई करने के बाद आपको 3219 में पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें प्री की तैयारी भी पूरी होगी, आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें करवाई जाएगी, ठीक है। टीचर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, AFO में। तो यहाँ पर आपको संदीप सर, आकाश सर, यानी कि मैं, हिना मैम, मीनाक्षी मैम, सोना मैम, रूपम मैम, सिद्धार्थ सर, ठीक है, ये आपके प्री की फैकल्टी है, सोना मैम, रूपम मैम, सिद्धार्थ सर, ठीक, और प्लस आपकी मेंस की फैकल्टी, बहुत फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आपको 329 में मिल जाएगा अगर आप Y612 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो ये आपका बैच हो गया। हाँ, MSc एंट्रेंस का बैच भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, MSc एंट्रेंस का, ये हमारा MSc एंट्रेंस का बैच है, ठीक है, और ये भी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे अप्लाई करिएगा Y612, ठीक है, करने के बाद आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बैचेस हो गए, मैंने आपको अपडेट कर दिया है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, हर दिक्कत को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए पंजाब वीडियो को, बिहार वाले बैच ये आज से स्टार्ट हो रहे हैं, बिहार BSFSC का बैच, इसमें असिस्टेंट मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज, ये दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो पंजाब वीडियो और बिहार के बैच में आज ही इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है, इसका पहला बैच हो रहा है, पहली क्लास हो रही है Y612 के साथ, ठीक है। चलिए आपका ख्याल रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। बंदरों का कोर्स चाहिए सर, बंदरों का कोर्स आपको कहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ पर बैच मिल जाएगा आपको, मिलने के बाद आपको Y612 कोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रात को 8 बजे आप सबका इंतजार रहेगा, ख्याल रखिएगा अपना, और 8 बजे हर एक बच्चा मुझे मिलिएगा, अभी जाके उस
लिंक को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।